Sharp 8 o'clock, I'll be there. अच्छा तुमने मिसेस गुप्ता के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स निकाल लिए? मैं आते ही देखती हूँ। मम्मा मस्कुल के लिए रेडी हो गई। चलो जल्दी जल्दी दूध पियो। Come on. No no no, I'll be on time. अच्छा कोई भी पेशेंट है उसकी डिटेल्स रख लेना। Okay okay thanks. चलो मिशु जल्दी पियो। Finish it. Come on. Okay गुप्ता। तुम्हारा स्कूल बैग रेडी है? हाँ पक्का। Good call. चलो let's go. स्कूल के लिए लेट हो गई। ये वाटर बॉटल एक मैं मामा भी अपना बैग ले ले। कितना आएगा बहू? मरी जा क्या छे? पापा पापा आ छु। वाह मरी जा। मरी जा लेके आ जल्दी। शर्ट प्रेस हुई कि नहीं? काम के लिए लेट हो रहा है, तुमसे ना कुछ काम नहीं होगा। अरे थोड़ा शांति से, 4 months प्रेग्नेंट है वो, थोड़ा आराम से बोलो। क्या आराम से? मुझे कभी आराम नहीं मिला। जब मैं प्रेग्नेंट थी ने, तब मेरी सास मुझसे दुगना काम कराती थी। आई बात समझ में? आराम से। मम्मी पापा पूजा उछू आप अयूर 2 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, टाइम से पहुंच जाना। आ जाऊंगा। जा रहा यहां से, सर पे खड़ी रहती है सारा दिन। डॉक्टर क्या मुझे ये जानने का भी राइट नहीं है कि मेरा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? मिस्टर मयूर, अकॉर्डिंग टू द लॉ मुझे परमिशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि लड़का है कि लड़की। ये कानून कब पास हुआ? हमने तो पहले भी It's been there for a while. In fact, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और मुझे सजा भी मिल सकती है अगर मैंने आपको बताया तो। एक्सक्यूज मी। कुछ तरीका नहीं है अगर किसी को जानना है तो? सिस्टर आप रीमा को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाइए। सॉरी किसी को जानने की क्या जरूरत है, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, पता चल जाएगा। आपके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि होने वाला बच्चा और उसकी माँ हेल्दी है कि नहीं। मिस्टर मयूर यू कैन ज्वाइन मी इन अल्ट्रासाउंड रूम, आप लोग इंतजार करिएगा। बेटा ही हो। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बेटा ही होना चाहिए। आपकी रीमा और उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, सब ठीक है। बट डॉक्टर ये बहुत मायूस होने वाली बात है कि मैं ये भी नहीं जान सकता कि मुझे बेटा होने वाला है या बेटी। मेरा क्लिनिक तो क्या, आज के टाइम पर कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि लड़का है कि लड़की। रीमा एवरीथिंग इज नॉर्मल और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा थैंक यू। थैंक यू।
कैसे कैसे लोग होते हैं ना। आज एक फैमिली क्लिनिक आई थी, बच्चे का जेंडर पता करना चाहती थी। वो लड़की तो इतनी सहमी हुई सी थी जैसे प्रेग्नेंट होकर पे गुनाह कर दिया। That's really sad. मुझे तो उस रीमा पे तरस आ रहा था क्योंकि मुझे पता है इट्स अ बेबी गर्ल। हिपोक्रेट परिवार की लड़कियों को एक छत के लिए और दो वक्त की रोटी के लिए क्या क्या नहीं सहना पड़ता। I can't even tell you वो कितनी डरी हुई थी। तुम इतना टेंशन मत लो, relax and do your duties as you always do. Anyway, how is the business setting up? Possession मिली कि नहीं ऑफिस की? Yes, आज ही मिली। यहाँ LA में paperwork really takes time. कल से ऑफिस सेटअप करना स्टार्ट कर दूँगा। You know, missing you both. Missing you too. एक मिनट, मिशु कम यहाँ। Say hello to daddy. I miss you so much. I miss you too, my Mishi. Love you lots, beta. Pop will come soon, okay? Okay, Papa. I love you. Come soon. go sleep. Okay, you take care of yourself. Love you. Love you too, Doc. See you soon. Mishu, कौन सी गाने सुनेंगे? अगली डकिंग की कहानी? आपके यहाँ सोनोग्राफी होती है? हाँ। मेरे बहू के होने वाले बच्चे का जेंडर जानना था। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण डॉक्टर शाह, केम छो? हाँ, जरा एक नानू काम हतो, प्लीज जरा मदद करी दो ने। हाँ, मारी बहू 4 मंथ्स प्रेग्नेंट छे, बालक नू जेंडर जानवू तू साहेब, प्लीज मदद करी दो। कोई मदद ज नत करतू। बधाई हो, लक्ष्मी आई है, बहुत प्यारी बेटी है, देखिए ना। सुक्रीजी, रीमा को 24 घंटों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। I have to run some tests on रीमा and the baby. आप लोग कल सुबह इसे ले जा सकते हैं दोनों। रीमा, डिस्चार्ज सुबह है ना, काले आऊ छू। चल। Are you okay, Rima?
मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी देख कर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक माँ अपने बच्चे को पैदा करके सबसे ज्यादा खुश होती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही। मैं गलत तो नहीं सोच रही ना? तुम्हारे सास ससुर और हस्बैंड भी खुश नहीं थे। इतनी सुंदर बेटी को देखकर तो किसी को भी प्यार आ जाए। रीमा? हाँ, सुंदर तो है, पर क्या फायदा? मतलब रीमा, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और वो भी बहुत सुंदर है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हस्बैंड तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं, और दादा दादी नाना नानी की तो वो जान है। लेकिन मुझे पता है कि समाज का हर परिवार मेरे परिवार जैसा नहीं होता। ज्यादातर लड़कियों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम में वो क्षमता है, हम पुरुषों की बराबरी में कुछ भी कर सकती हैं। सुन रही हो रीमा? अच्छा चलो, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। रीमा, आप तो जान गई होंगी कि मेरे सास ससुर और पति को बेटा चाहिए। कितने उपवास, कितने संकल्प करवाए गए मुझसे, यहाँ तक कि खाना भी उपाय वाला खिलाया जाता था ताकि मुझे बेटा हो। पहली बार जब पता चला कि बेटी होने वाली है, तब से कोस तैयार है। पहली बार मतलब? जब हम अहमदाबाद में रहते थे, जब पहली बार पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कितनी खुश हुई थी मैं। फिर मुझे सोनोग्राफी के लिए ले गए, वहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं होश में आई तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी, मेरी बच्ची को गिरा दिया गया। तुम्हें बताया भी नहीं क्या? ऐसे कैसे? उन लोग के डॉक्टर से पहले ही बात हो चुकी थी, ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले 5 साल में 4 बार हो चुका था, हर बार चेकअप के नाम पे मुझे ले जाया जाता था। डॉक्टर कोडवर्ड में बात करती थी, जय श्री कृष्णा लड़का, जय माता दी लड़की। हर बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे अंदर किसी मासूम का खून हो रहा है। उसकी गलती सिर्फ इतनी कि वो लड़की थी। तुमने ये सब बताया नहीं अपने पेरेंट्स को? कौन लड़की शादी के बाद अपने मायके वापस जाना चाहेगी, अपने माँ बाप की जगह सही कराने? मेरे माँ बाप तो गरीब है, इसलिए अपने परेशानी बता के उन्हें और दुख नहीं देना चाहता। कैसे ये डॉक्टर्स इलीगल अबॉर्शंस कर सकते हैं? तुम मुझे नाम बताओ इनका, इन्हें तो डॉक्टर्स भी कसाई होना चाहिए। रीमा, बेटा नहीं पैदा कर पाने की वजह से ये मेरे साथ बहू जैसा नहीं, नौकरानी से भी बदतर व्यवहार करते हैं, और अब तो अपने साथ साथ मुझे बच्चे की भी चिंता होने लगी है। पता नहीं क्या करेंगे ये लोग हमारे साथ। अभी मैं कुछ ज्यादा बोल गई। अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ बता दिया, मन हल्का हो गया होगा। अच्छा रीमा, मैंने तुम्हारे फोन में अपना नंबर फीड कर दिया है और ट्रेनिंग के सारे नंबर्स फाइल में, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर लेना। घबराओ मत, तुमने कोई गलती नहीं की है। पापी तो वो लोग हैं जिनसे तुम खामखा डर रही हो, तुम आराम करो। आप प्लीज इन लोगों को समझाने की कोशिश मत करना, मैंने आपको इन्वॉल्व कर लिया, अगर इन लोग को पता चलेगा तो ये लोग मुझे और तकलीफ देंगे, और अब तो मेरी बेटी भी है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, अपना भी और अपनी गुड़िया का भी।
એવી પૂજાપાઠ કેમ કરો છો? તમારા ઘરમાં તો છોકરીનો જન્મ થયો છે ને? રીમા, સબકે લિયે પાણી લેકે આ, ઓર હા, દુપહેર કા ઓર રાત કા ખાના ભી તૈયાર કરના. અભી જા. યે બેટી કી મનહૂસ પરછાઈ હટા લો મેરે આંગન સે કૃષ્ણા. ઓર રીમા, નહીં ચાહિયે મુજે એસી બહુ જો મેરે વંશ કો બઢાને વાલા બેટા ના દે સકે. ચુપ કરાવો એસ આફત કો, બેડરૂમ મે લે જાઓ, કામ કર રહા હું મેં યહાં પે. મેરા તુમ જાઓ, મેં દેખતા હું. હેલો, હાય, કેન આઈ ટોક ટુ રીમા પ્લીઝ? વો બહાર ગઈ હે, આઈંદા સે યહાં પે ફોન મત કર. कितने दिन निकल गए, रीमा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है. आई होप शी इज ओके. દૂધ મોહી બચ્ચી મારી ના તો કોઈ બાપ નહીં ચડતા. અરે પુરાને જમાને મેં ના કોઈ ગાંવ મેં બચ્ચીઓ કો એસી મુક્તિ દેતે થે. જબ મુહે પતા હુઆ કે બોલા મત કરો, જાઓ યહાં સે, જાઓ ના, મેં દેખ લુંગી. જાઓ જાઓ, દે દી તુઝે મુક્તિ. સ્ટેશન જાકે એફઆઈઆર કરતે
कभी ना कभी तुम्हारे माता पिताजी को पता चलेगा। बेहतर ये रहेगा कि तुम उन्हें बताओ, ना कि उन्हें किसी और से पता चले। देखो रीमा, अगर उन्हें पता चला कि तुमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और तुम और तुम्हारी बच्ची उस घर में सेफ नहीं है। जान गई हूँ, पर इस छोटी सी बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? जाओगी तो तुम बाद में। पहले तुम अपने पति का घर छोड़ो, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के लिए उस नर्स से जल्दी निकलो। तुम्हें अपनी बच्ची प्यारी है कि नहीं? डॉक्टर, अब वही तो मेरी जीने का सहारा है। तो बस अब किसी से मत डरो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची एक बीमार मानसिकता वाले परिवार में बड़ी? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें ही ये फैसला लेना होगा कि तुम्हें अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी कैसी चाहिए। देखो रीमा, आज के समाज में एक औरत को पहले खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, तभी दूसरी महिलाएं उसके पीछे खड़ी हो सकती हैं। खुले आसमान में आजादी की सांस लेने से पहले किसी को भी अपनी बच्ची के पर काटने मत देना, और ये तुम तभी कर पाओगी जब तुम खुद स्वाभिमानी बनोगी और अपनी बच्ची की परवरिश अच्छे से अच्छी कर पाओगी। जो तुमने भुगता वो अपनी बच्ची को भुगतने मत देना। हम औरतों को ही समाज को दिखाना होगा कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम हैं, और समाज की रूढ़िवादी सोच जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाती है उसे सबसे पहले ठोकर मारकर हटाना होगा। समझी तुम? तुम्हारा मन सच्चा है जो मैं देख सकती हूँ। तुम में क्षमता है कि तुम अपनी लड़की को एक साधारण से असाधारण लड़की बना सको। ऊपर वाले ने स्त्री और पुरुष को बराबर बनाया है, इनफैक्ट स्त्री को तो जीवन देने का वरदान भी दिया है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। A princess is as valuable as a prince. तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ रीमा, तुम्हारे साथ। तो अब तेरी औरत का क्या करे मयूर? हर बार तो लड़की पैदा कर रही है, अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार बेटा ही पैदा होगा? हाँ, एक तरीका है, सरोगेसी। हाँ, ये ना एक बोझ है मेरी लाइफ पे। एक बेटा नहीं दे सकती मुझे, मैं इसे प्यार भी नहीं करता, कभी कर ही नहीं पाया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लेता हूँ। शादी जिससे भी करो, जिसे प्यार और तुम कभी नहीं कर पाओगे मयूर। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। तुम जैसे आदमी औरतों को सिर्फ अपनी जरूरत पूरे करने वाली चीज और बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हो। आप स्वार्थी लोग, इंसानियत के नाम पर राक्षस हो। बहु पटपट ना कर, एक उम्दा आदमी आप भी, इसने बाप नु नाम भी याद नहीं रहे तुमने। हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसे बात करने की? पापा देखा आपने, वो डॉक्टर है ना, उसी ने इसका दिमाग खराब किया है। बेशरम औरत। हाँ, बेशरम। जब औरतें सच बोलती है तो उन्हें बेशरम कहलाया जाता है। हम औरतों को हंस के सब सहना चाहिए और उफ तक नहीं करना चाहिए। अब बद्दा जंगली बेड़ा नहीं चले मारा घर में, ज्यादा बकवास की ना तो। जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ मयूर, वरना शोर मचाकर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। पुलिस केस वो अलग। बचपन से लड़की के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, शादी करके दूसरे घर में जाओ, इसलिए आप बेटी नहीं चाहते। लड़की जितना भी कमाने लग जाए फिर भी उसे मर्द बराबर सम्मान नहीं मिलता, इसलिए आप बेटी नहीं चाहते। आप लोग लड़कियों को कमजोर समझते हो, जिसे हमेशा सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए आप बेटी नहीं चाहते। पुरुष प्रधान सोच वाले आप जैसे खोखले लोग अपने बहु बेटियों के अस्तित्व को अपनी झूठी शान से ऊपर समझते हैं। ये भी तय कर लेते हैं कि बेटी का होना बेकार है, और अगर लड़की बेटा नहीं पैदा कर सकी तो उसका जीना बेकार है। और तुम भूल रहे हो कि एक औरत के पेट से पैदा होकर दुनिया में आए हो। और आपने कभी सोचा है कि अगर मेरे माँ बाप मुझे पैदा नहीं होने देते, या आप जैसे लोग बेटियां पैदा नहीं होने देते, तो आपके बेटों को भहुएं कहाँ से मिलती? और आप भूल रही हैं कि आप भी एक औरत हैं।
शायद आपके साथ भी ये सब हुआ होगा, आपने भी सहा होगा। क्या आपको नहीं समझ आया क्या सही है और क्या गलत? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपनी सोच पे, और शर्म आती है मुझे खुद पे कि मैंने इतना कुछ सहा आप लोगों की खुशी के लिए और उफ तक नहीं की। पर अब और नहीं, अब बात मेरी और मेरी बेटी के अस्तित्व की है, इसलिए मैं इस घर में एक मिनट और नहीं रुकूंगी। और आप लोग देखना, मैं मेरी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दूंगी जैसे आपने अपने बेटे को दिए। मैं अपने आप को और मेरी बेटी को इस कैद खाने से आजाद करती हूँ, जा रही हूँ मैं। और तुम कर लेना दूसरी शादी, लेकिन उस दूसरी औरत पे मुझे अभी से ही तरस आ रहा है। और क्या गारंटी है कि वो तुम्हें बेटा देगी? मैं मेरी बेटी को ऐसे खटिया माहौल में नहीं बड़ा होते हुए देख सकती। मैं उसे तुम्हारे बेटे से ज्यादा लायक बनाऊंगी, ये मेरा वादा है। ये जो तू तेवर दिखा रही है ना, ठंडा हो जाएगा दो दिन सड़क पर जब भूखे बिताएगी। लौटकर तुझे यही आना, तेरे माँ बाप नहीं पाल सकते तुझे, पता है मुझे। तेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। गलत सोच रहे हो तुम लोग, गलत सोच रहे हो तुम। रीमा या रीमा जैसी कोई भी औरत बेचारी होती है, वो तो माँ बाप और परिवार की वजह से चुप रहती और सबसे, चाहे नर्क जैसा ससुराल, लेकिन कभी छोड़कर नहीं जाती। लेकिन रीमा अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैं रीमा के साथ हूँ। सम्मान की जिंदगी जी सके, इतनी तनख्वाह वाली नौकरी मैं तो क्या कोई भी महिला संगठन इसे दिला सकती। अब आपके ये जेल खाने की चाकरी रीमा नहीं करेगी। वो तो शुक्र मनाइए कि मैंने आप लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो जो आप लोगों ने रीमा के साथ किया है उसके लिए आई कैन ड्रैग यू ऑल टू द कोर्ट एंड पुट यू बिहाइंड द बार्स। एक्चुअली रीमा को थैंक यू बोलिए, क्योंकि इसने हमें मना किया था। चलो रीमा, तुम सब लोग देख लो अपना आप, डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। Hello everyone. Before all other achievers, first with pride, I would like to announce the name of the scholar who has topped not only in the university but also in the city with 98.9% and has also created a record as the youngest doctor. I would like to call on stage Ria Shah. Respected professors and principal sir, colleagues and my dear friends. You know, aaj main yahan zinda hu only because of two women in my life. Jin dono ke liye mujhse bhi zyada important tha ki main is maqam tak pahunchu. Woh hai meri maa, Reema Shah, aur meri maasi, Dr. Alka Puri. Thank you so much, mama, for everything. Thank you so much, Masi, for letting me live. मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार स्कूल गई थी। एक छोटी सी सहमी सी लड़की उस दिन अपनी माँ और मासी की उंगलियों से चिपक गई थी। जहाँ सामने मेरा उज्जवल भविष्य था, वहीं पीछे से आप दोनों का साथ और प्यार। माँ, मासी, आप दोनों की प्यारी मुस्कुराहट ने उस बच्ची को जैसे तब प्रोत्साहित किया था, वैसे आज तक करती रही। उस दिन से लेके आज तक मुझे कभी किसी परेशानी का कारण ही पता नहीं चला, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि मैं बहुत अच्छे हाथों में सुरक्षित हूँ। मैं अपने सारे अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग माय डिग्री इन डॉक्टरेट आप दोनों को समर्पित करती हूँ। आई वॉन्ट एवरी वन टू नो द गाइड्स ऑफ माई लाइफ। प्लीज स्टेज पे आइए, बिकॉज दिस अवार्ड इज डेडिकेटेड टू यू बोथ।